दोस्तों मेरा नाम है विशाल कुमार, मैं हूँ स्टूडियो डीजीबी या फिर कहिए टेक्नो ब्रो से। तो चलिए आज मैं जेबीसी का कुछ फंक्शंस बता रहा हूँ। डायरेक्ट फोकस करते हैं कैमरा पर, आपको दिख रहा है यहाँ पर बैटरी लगता है, ये डबल बैटरी लगता है, मेरे पास दोनों है। फिलहाल मैं एक ही लगाने के लिए आपको बता देता हूँ लगाना कैसे है। तो बैटरी को ऊपर साइड लगा करके ऐसे अंदर करना है और इसको नीचे ढकेल देना है, ये खट से आवाज करेगा और लग जाएगा। बैटरी लगने के बाद आपका ये तैयार हो जाता है कैमरा चलने के लिए। दोनों बैटरी लगा सकते हैं। चार्जिंग का पॉइंट नीचे है यहाँ पे इस कोने में, ये जेबीसी JYHM90 है, इसके हिसाब से हम बता रहे हैं इसका फंक्शन। तो अब चलिए इसको ऑन करते हैं, यहाँ आइए। ऑन करने के लिए आपको बटन दिख रहा है नीचे, अभी ऑफ है। इसको यहाँ जो लॉक है ना, इसको प्रेस करके इसको प्रेस करना है। हाँ, ये दब जाना चाहिए नीचे की ओर, इसको प्रेस करना है। दोस्तों मेरे नेल पॉलिश पे मत जाइएगा। हाँ, मैं गया था कहीं पे मेहमानी, वहां पे नेल पॉलिश लगा दिया गया है। तो चलिए अब यहाँ आते हैं अपने स्क्रीन पे, क्योंकि मेरा कैमरा हो गया है चालू। तो अब हम स्क्रीन खोलेंगे तो स्क्रीन में डिस्प्ले आ जाएगा। अब डिस्प्ले में कुछ चीजें बताना है। अभी तो लेंस कवर किया हुआ है, तो लेंस यहां से खुलता है, तो हम इसको ऊपर किए, ये लेंस गया खुल, तो मेरे दुकान का पूरा जो खटाल है वो आ रहा है। तो अभी जो है ये ऑटो फोकस में है, ऑटो फोकस। और कहां है ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस करना है तो यहां पर ऐसे दबा सकते हैं बाय द वे, बट आई विल सजेस्ट कि नहीं, यहां पर दबा करके कुछ भी चेंज ना करें अगर आप नए हैं तो। हाँ, बस यहां बटन से अभी सीखें कि क्या क्या करना है। ऑटो फोकस को अगर मैनुअल फोकस में ले जाना है तो ये वाला बटन है, MFAF लिखा हुआ है, इस पे दबाइए। यहां से आप मैनुअल फोकस में आ गए हैं, यहां देखिए स्क्रीन में, नजदीक लाइए थोड़ा कैमरा को। हाँ, MF दिख रहा है यहाँ पे, ये मैनुअल फोकस में चला गया है। बाहर थोड़ा मशीन चल रहा है, इसके लिए थोड़ा आवाज डिस्टर्ब हो सकता है, इसके लिए सॉरी, बट आपको आवाज मेरा सुनाई देगा परफेक्ट। ऑटो फोकस दोबारा फिर से दबाएंगे तो ये ऑटो फोकस में जाएगा, फिर से दबाएंगे तो मैनुअल फोकस में आएगा। हाँ, यहाँ पर दिख रहा है ना चेंज होते हुए, इस कोने में यही है। अब हम ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस से क्या होता है कि अगर हम ऑटो फोकस में रखे हैं तो फोकस करने की आवश्यकता हमें बिल्कुल नहीं है। फोकस कैमरा अपने आप चीजों को क्लियर कर लेगा, जो सामने आएगा उसको अपने से क्लियर करेगा। अगर हम मैनुअल फोकस रखेंगे तो हमें यहाँ का आगे का रिंग घुमा घुमा करके, ये फिलहाल तो जूम में है, यहाँ देख लीजिए, पहले यहाँ जूम है और फोकस है, फोकस में कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे इसको रिंग को घुमा घुमा करके, देखिए ब्लर हो रहा है स्क्रीन, और रिंग को घुमा रहे हैं तो ये क्लियर हो रहा है स्क्रीन। हाँ, तो ऐसे करके हम साफ सुथरा कर सकते हैं। तो ये है ऑटो फोकस जब आप मैनुअली चलाते हैं तब। और अगर यहां हम ऑटो फोकस में रखते हैं, अभी भी फोकस में किए हुए हैं, तो हमारा स्क्रीन ब्लर नहीं हो रहा है, हम हिला घुमा तो रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम कर रहा है, समझ गए ना। तो चलिए अब आगे बताते हैं, आप लोग कहीं भूलिएगा नहीं। थोड़ा स्क्रीन और नजदीक लाइए ताकि हम जो भी चीज बताएं क्लियर दिखे। आप यानी तो मेरे इस साइड आ जाइए। तो चलिए अब हम आगे का फंक्शन देखते हैं। तो ऑटो फोकस में रहिए जब आप नए हैं, लेकिन मैनुअल फोकस से भी आप फोटो को साफ कर सकते हैं, अगर फोटो को साफ करने वाली बात आती है यहाँ पे फोकस में। अब यहाँ पे है उसके ठीक नीचे एक बटन है जिसका नाम है IO, इसको हम ऑटो मतलब IO मतलब इंटेलिजेंट ऑटो। अब ये दबा देते हैं ना तो इंटेलिजेंट ऑटो में ये पहुंच गया। अब हम इसका लाइट वाइट वगैरह वगैरह कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि हम इसका व्हाइट बैलेंस भी नहीं दबा सकते हैं कर सकते हैं। कारण क्या है कि अब ये फुल्ली ऑटोमेटिक चला गया है लगभग, क्योंकि फोकस भी ऑटोमेटिक कर दिए हैं और कैमरा का सेटिंग इंटेलिजेंट ऑटो मतलब कैमरा का जो सेटिंग हम चला रहे थे वो भी हम ऑटोमेटिक कर दिए हैं। तो अब हम फुल्ली ऑटोमेटिकली चला रहे हैं, जब होगा कि आपको दिक्कत हो रहा है तुरंत एडजस्ट करने में, इंटेलिजेंट ऑटो में चले जाइएगा। तो यहाँ स्क्रीन में उक्की आता है, फिर से स्क्रीन में करिए, देखिए हम दबा रहे हैं आपको नजर आएगा, आया इंटेलिजेंट ऑटो ऑन है, इंटेलिजेंट ऑटो से मैनुअल में पहुंच गए। अभी फिर से दोबारा दबाए हैं तो मैनुअल में पहुंच गए हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्क्रीन कहां से अच्छा बना सकते हैं।
फिलहाल हम मैनुअल से इंटेलिजेंट ऑटो में जा रहे हैं। अब इंटेलिजेंट ऑटो में रहते हुए आप क्या किया, बिल्कुल ऑटोमेटिक वाला सेटिंग बता रहा हूं मैं पहले, उसके बाद मैनुअल थोड़ा बहुत बताऊंगा। अब इंटेलिजेंट ऑटो में रहते रहते आप जो है ना एक्सपोजर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो कंट्रोल कर सकते हैं वो है यहाँ बटन ए लिखा हुआ है। चलिए आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन है तो। यहां पर मैंने दबाया, देखिए स्क्रीन में कुछ पीला हुआ है, हाँ फिर से दबा रहा हूं चला गया पीला, फिर से दबाया आया, एक वैल्यू है कॉर्नर में जो आपको दिख रहा होगा। अब मैं यहाँ पे एक बटन है पीछे तरफ, इसको कहते हैं एडजस्टमेंट, ये जो घुमाने वाला है रिंग जैसा है गोल जैसा, इसको ऊपर घुमाएंगे तो यहाँ देखिएगा वैल्यू चेंज होगा, ऊपर कर रहे हैं वैल्यू चेंज हुआ 2.0 हुआ, नीचे कर रहे हैं 1.3, ऐसे करके आप चेंज करके लाइट घटा और बढ़ा सकते हैं, एक तरह का एक्सपोजर लाइट घटाना बढ़ाना। देखिए हम घटा दिए हैं, दुकान में मेरा अभी बहुत ज्यादा लाइट है लेकिन हम बहुत घटा दिए हैं। ये कब करना है कि कभी ज्यादा एक्सपोज हो गया, बिल्कुल ऑटोमेटिक चला रहे हैं लेकिन एक्सपोज इतना ज्यादा हो गया कि ऑटोमेटिक में भी चीजें चमकने लगा है, तो थोड़ा सा लाइट घटा देंगे। अभी कभी ऐसा होगा ऑटोमेटिक में है लेकिन हमको लाइट पूरा नहीं मिल रहा है तो इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, हाँ यही करना है बस। जब सही हो जाएगा तो फिर से यहाँ सेट वाला बटन है, सेट दबा देंगे। जब भी कुछ भी कोई भी सेटिंग कर लीजिएगा तो सेट जरूर दबा दीजिएगा। तो फिर से ऑटोमेटिक यहाँ पर से इसको थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 0.1 कर दिए हैं वहां पे कॉर्नर में, देख रहे हैं। अब हम सेट दबा रहे हैं, सेट दबाने के बाद ये सेट हो गया ये वाला, समझ गए ना दोस्तों। अब हम आगे कुछ और चीजें बता रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सीखने के लिए बेहतरीन है। कभी ऐसा हो कि आपका स्क्रीन ले रहे हो एक्सपोजर भी ज्यादा कर दिया फिर भी चीजें काला है, तब क्या करना है कि कभी कभी टेंट लगा हुआ होता है ऊपर, शादियों के घर में टेंट लगा हुआ होता है, अंदर थोड़ा सा अंधेरा सा लगा हुआ रहता है, आप कितना भी कुछ कर लेते हो सेटिंग फिर भी आदमी काला आ रहा है, थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट तो सही आ रहा है लेकिन आदमी का फेस काला हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि ऊपर यहाँ एक स्लॉट दिया हुआ है, यहाँ वेपर लगा सकते हैं, उजला वाला आजकल वेपर आता है बैटरी वाला वो लगा सकते हैं, या तो आप लाइट से डायरेक्ट जोड़ करके तार वो वाला भी वेपर चला सकते हैं, मतलब लाइट मारना पड़ेगा आपको अलग से अगर काला आ रहा है तो। ये है आपको ऑटोमेटिक में सही से काम करने का पहला तरीका। आप थोड़ा सा हम मैनुअल जाएंगे, मैनुअल के लिए अगला वीडियो बनाते हैं, स्टॉप कीजिए इसको।